हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है ग्रेट ओड एंड देयर राइटर्स। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओड्स मैं लेकर आई हूँ और उनके राइटर्स, ठीक है? तो एक ही वीडियो में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ओड और उनके राइटर्स के बारे में बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट हैरिक, ठीक है? रॉबर्ट हैरिक की यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ओड है, एन ओड फॉर बेन जॉनसन, ठीक है? अब्राहम कोले, अब्राहम कोले की बात करें तो ऑन सॉलिट्यूड इनकी एक मोस्ट फेमस ओड है। बेन जॉनसन, बेन जॉनसन की एन ओड टू हिमसेल्फ के नाम से एक ओड है और एक एन ओड है खाली, ठीक है? तो ये दो ओड इनकी फेमस हैं। इसके बाद आता है जॉन डन, जॉन डन की हेल, ठीक है? एक तो सेकेंड है इनकी बिशप वैलेंटाइन, थर्ड है इनकी अ हाइमन टू गॉड द फादर, ठीक है? तो ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी ओड्स हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं जॉन मिल्टन की। तो जॉन मिल्टन की ओन ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट, यही एक ओड है इनकी, मोस्ट फेमस है ये काफ़ी, ये स्टार्टिंग में ही इन्होंने लिखी थी, ठीक है? तो इसके बाद मार्वल की बात करते हैं, तो मार्वल की अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है? ये इनकी इम्पॉर्टेंट ओड है। जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन की बात करें तो अलेक्जेंडर्स फीस्ट के नाम से इनकी एक ओड है और एनी किलग्रीव के नाम से एक दूसरी ओड है इनकी। ये दो ओड इनकी फेमस रही हैं जॉन ड्राइडन की। इसके बाद बात करें तो थॉमस ग्रे की आती है, तो थॉमस ग्रे की हाइमन टू एडवर्सिटी, ओके? हाइमन टू एडवर्सिटी फर्स्ट, सेकेंड ओड है इनकी द बार्ड, पिंडारी कोड है ये, और द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे थॉमस ग्रे की ओड्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ये भी पिंडारी कोड है, ये दोनों ही पिंडारी कोड हैं, द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पॉइजी, ठीक है? इसके बाद कॉलिंस, कॉलिंस की बात करें तो कॉलिंस की भी दो ओड हैं यहाँ पे, ओड टू इवनिंग, ओड ऑन द सुपरस्टिशस ऑफ द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है? ये दो इनकी इंपॉर्टेंट ओड्स हैं। इसके बाद एडवर्ड यंग, एडवर्ड यंग की बात करें तो एन और एक एन ओड के नाम से दो इनकी भी यहाँ पे ओड्स हैं। थॉमस कैंपवेल, थॉमस कैंपवेल की एक ओड है, ओड टू विंटर। इसके बाद वर्डफिट की बात करें तो ओड टू ड्यूटी एंड ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ये आपको याद रखनी है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ओड टू ड्यूटी एंड ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, ये दो इनकी मेन ओड्स हैं। इसके बाद कॉलेज की बात करें तो डिजेक्शन और एन ओड, ये दो ओड हैं। एन ओड भाई एडवर्ड यंग की भी है और कॉलेज की भी है, और एक एन ओड पहले भी आई है, ठीक है? इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं, पी बी शेली एंड जॉन कीट्स, काफ़ी सारी ओड्स इन्होंने लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की गई हैं लोगों के द्वारा। तो अगर हम बात करें कि ओड्स में किसका नाम सबसे ज़्यादा आता है, तो वो पी बी शेली या फिर जॉन कीट्स को ही हम मानते हैं। देखिए, क्योंकि शैली देखेंगे आप यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ओड्स यहाँ पे पी बी शैली ने लिखी हैं। ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ज़्यादा फेमस है, टू अ स्काई लार्क, ठीक है? टू द मून, टू नाइट, ठीक है? तो ये टू टू से स्टार्ट हो रही है सारी की सारी, और टू जेन, ठीक है? और जॉन किड्स की बात करें तो इनकी भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओड्स हैं, टू नाइटिंगल है, टू ऑटम है, ठीक है? ऑन ग्रेसियन अर्न, टू साइक, ऑन मेलंकली, टू द पोइट्स। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके यहाँ पे ओड्स हैं, इनको आपको याद रखना है। बायरन, ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट, ये बायरन ने लिखी है, और टू द टू थॉमस मूर, ये दो लॉर्ड बायरन की हैं। ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट, ओड टू थॉमस मूर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। टेनिसन की टू वर्जिल इम्पॉर्टेंट हैं, ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, दोनों ही इनकी ये खास ओड्स हैं, तो ये आपको याद रखनी है गाइस। तो इस प्रकार से हमारी ये कुछ ओड्स थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? आप इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको अलग से ही आप इनको देख सकें, कहीं पर आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो गाइस, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या लेके आपके लिए आऊँ, ठीक है? थैंक यू गाइज़।